श्री आरपी सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव केजीएमयू के हमारे वीसी जनरल पुरी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन की कड़ी में आज एक नई उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी है। जब मेडिकल एजुकेशन के 2 नए संस्थान स्थापित करने के लिए एमओयू यहां पर अभी संपन्न हुआ है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ में और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में, पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए यह एमओयू सभी संपन्न हुआ है। आप अनुमान कर सकते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो मात्र 12 मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो पाए थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 16 में निर्माणाधीन हैं, जिनमें 14 गवर्नमेंट के हैं, 2 पीपीपी मोड पर निर्माणाधीन हैं और आज 2 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए एमओयू यहां पर होना मेडिकल एजुकेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अवसर पर मैं मेडिकल एजुकेशन को और जिन संस्थानों से के साथ श्री राजीव सामाजिक शिक्षा सेवा संस्थान, अज्ञान चेतना एजुकेशनल सोसाइटी, इन दोनों संस्थाओं को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि समयबद्ध तरीके से यह 2 मेडिकल कॉलेजेस स्थापित करेंगे, न केवल मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ क्वालिटी को उन जनपदों में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में भी ये 2 नए मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। अनुमान कर सकते हैं मऊ में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, एक सपना था लेकिन अब यह साकार हो रहा है। शामली में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो लेकिन अब यह हकीकत बनता जा रहा है। ये 2 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों ने आज से 6 वर्ष पहले दूसरे क्षेत्रों में अपना ऐसा नाम रखा कमाया था कि लोग वहां जाने में भी भयभीत होते थे। मऊ का नाम होता था तो माफिया के नाम पे लोग भयभीत होते थे, शामली का नाम आता था तो प्लायन के नाम पे लोग कांपते थे, लेकिन अब वहां मेडिकल एजुकेशन के नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं। यह एक उपलब्धि है और मैं इस अवसर पर हृदय से इन दोनों संस्थानों को आगे आने के लिए अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मेडिकल एजुकेशन के द्वारा नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में क्वालिटी की दृष्टि से क्वालिटी एजुकेशन भी हो, क्वालिटी सर्विसेज भी हो, इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चयन किया है और मुझे विश्वास होगा है कि इन्होंने इनकी फीस दे चुके होंगे क्योंकि अक्सर ये लोग आते थे हमारे सामने कि फीस हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि मिशन निरामया के अंतर्गत जिस अभियान को हम लोगों ने गत वर्ष प्रारंभ किया था,
आज वो देश की एक ब्रांड बनी हुई है। मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्षेत्र उसका बैकबोन का काम करता है। हमने मेडिकल एजुकेशन की चर्चा तो की, लेकिन नर्सिंग और पैरामेडिकल को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था। हमारा प्रदेश का स्वयं स्टेट मेडिकल फैकल्टी बीमार हो चुका था और उनके नाम पर तमाम ऐसे संस्थान कार्य कर रहे थे जिनके पास न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न उनके पास फैकल्टी थी। और उस दिन से मिशन निरामया अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका था और गत वर्ष जब इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। गत वर्ष 18 ऐसे संस्थान जो मेंटर इंस्टीट्यूशन के रूप में अपनी सेवाएं दे सकें और 200 संस्थानों का मार्गदर्शन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आज का समय भाषण का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति क्वालिटी की हकीकत देखना चाहता है और क्वालिटी की हकीकत सबसे अच्छा माध्यम है हम कहीं पे डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से उसके सामने प्रस्तुत करें कि वास्तविकता क्या है, कैसे होना है। भाषण देने के लिए तो होते हैं, मंचों में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, चलने के लिए सड़क नहीं लेकिन लोग मंगल तक की यात्रा करवा देते हैं। उन स्थितियों में अच्छा है कि हम पहले जमीनी हकीकत को ठीक कर लें, और ये एक जमीनी हकीकत थी कि 12 संस्थान नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है वह अन्य संस्थानों को ले जाके दिखाएं और फिर वहां पर उनका भी मार्गदर्शन करें जिससे वे आगे बढ़ सकें। और इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रदेश भर के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल के संस्थानों को एक रेटिंग उनकी तय की। अब प्रदेश के अंदर नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में जो भी हमारे युवा साथी अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उनके लिए एक अवसर होगा कि इनमें से किसी भी एक संस्थान को चयन करके वे अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में इन संस्थानों का सहयोग ले सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण होगा वह ये कि 12 संस्थानों के साथ साथ मेंटर मेंटी संस्थान की जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इस अभियान के अंतर्गत 8 नए संस्थानों को आज चयन करके उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि वे भी इस मिशन निरामया के अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करेंगे। आज का अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 25 करोड़ की आबादी के लिए, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमें अच्छे चिकित्सक भी चाहिए, अच्छे नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टाफ भी चाहिए, और इसमें से किसी को भी नज़रअंदाज करके हम हेल्थ क्वालिटी की बात कर ही नहीं सकते। उसको नज़रअंदाज करके हेल्थ क्वालिटी की बात करना अपने आप में बेमानी होगी, लेकिन अब ये एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास को आगे बढ़ा सकेंगे। स्टेट मेडिकल फैकल्टी में भी अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की जो कवायद बहुत दिनों से चल रही थी वो लगभग पूरी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। एक अच्छा प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पूरी कायाकल्प को भी एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज हो या पैरामेडिकल का, अगर किसी ने मानक पूरे किए हैं तो बिना भेदभाव के उन्हें समय पे मान्यता मिले, प्रवेश की प्रक्रिया के साथ वे समय पे जुड़े,
शासन की सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो, ये सभी सुविधाएं उन्हें ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मानक को पूरा नहीं करता है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास फैकल्टी नहीं है, लैब्स नहीं है, या फिर उसके पास अपनी लाइब्रेरी नहीं है, या उस अन्य तमाम वह मानकों को पूरा नहीं करता है, तो हमें उसमें धीरे धीरे कटौती करते हुए ऐसे संस्थानों को अपने उससे बाहर करना होगा, क्योंकि हम किसी युवा के साथ खिलवाड़ कर नहीं कर सकते और हमें किसी को भी उन युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देनी चाहिए। और एक अच्छा प्रयास हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ नर्सिंग, पैरामेडिकल या अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग और भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश के अग्रणी संस्थानों को उत्तर प्रदेश से देने में सफल होंगे। एक बार फिर से आज यहाँ पर पीपीपी मोड पर गत वर्ष हम लोगों ने महाराजगंज और संभल में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। आज पीपीपी मोड पर मऊ और शामली में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 8 नए मेंटर इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो अन्य संस्थानों के लिए एक मानक का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं मेडिकल कॉलेज के लिए MOU यहाँ पर साइन करने वाले संस्थानों को एक बार फिर से बधाई देता हूँ, जिन्हों मेंटर इंस्टीट्यूशन के रूप में जिन्हें आज यहाँ पर मान्यता दी गई है, वे भी शासन की इस मान्यता के अनुरूप अपने आप को साबित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मिशन निरामया कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और इसी के तहत आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मेडिसिन को लेकर और मेडिकल की सुविधाओं को लेकर बहुत ज्यादा फोकस करना है और इसीलिए इस पर जोर देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की जा रही है। साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आप बने रहिए। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं